तो देखिए ये कितनी यादगार सीरीज है, पहली बार भारतीय टीम ने केप टाउन में जीत हासिल की, ताकि याद रखा जाए। सर ये सबसे छोटे टेस्ट मैच की खुशी ना एक शख्स को हो सकती है जिसने अभी अभी टेस्ट मैचेस में कीपिंग शुरू करी है, और जो पिछले मैच में 200 कुछ ओवर में से 150 ओवर से ऊपर एक्टिव थे वो केएल राहुल हमारे साथ जुड़ गए। केएल बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। केप टाउन में ये भारत की पहली जीत, 31 सालों में द सेवंथ अटेम्प्ट, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच, सबसे पहले जो अब इमोशन ये टीम की तस्वीर में प्रेजेंटेशन के इर्द गिर्द जो थे, थोड़ा वो बताइए टीम के लिए मायने इस जीत के। जी ऑब्वियसली बहुत खुशी की चीज़ है कि फर्स्ट टाइम केप टाउन में हम लोग ने जीता है। पहले भी आए हुए हैं, एटलीस्ट मेरा ये तीसरा सीरीज है, एंड हर बार जब यहाँ आए वी वर ऑलवेज इन द गेम, ऐसे लगा कि हम जीत सकते हैं, बट एक सेशन में जब बैटिंग अच्छा नहीं होता वी एंडेड अप लूजिंग द टेस्ट मैच। सो रियली हैप्पी कि यू नो वी कुड गेट दिस विन एंड इट्स वेरी स्पेशल, बट इमोशंस ऑनेस्टली अभी किसी को पता ही नहीं चल रहा, अभी लग रहा है कि अभी टॉस हुआ है और मैच ही खत्म हो गया। लेकिन ये मन कर रहा है कि एक और टेस्ट मैच होता तो फिर मज़ा आता, डेफिनेटली मज़ा आता, क्योंकि विकेट्स यहाँ पे इतने मतलब मज़ेदार है, बैटिंग बॉलिंग एंड इवन वाइल योर फील्डिंग ऐसे कभी लगता नहीं कि यू आर एवर आउट ऑफ द गेम। सो इट्स अ फन प्लेस टू टूर एंड प्ले टेस्ट क्रिकेट, बट या लव टू वेट फॉर नेक्स्ट सीरीज। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपके पिछले शतक के बारे में क्या कहा था, यू ऑलमोस्ट क्वेश्चन के बीच में आके आपने बोला वाओ, लेकिन उसके पहले हम वहाँ सेंचुरियन पे जाए, सिर्फ एक सवाल जो शायद सब जाना चाहेंगे, हमने उसके बाद प्रैक्टिस देखी, यू नो सेंचुरियन में जो झटका लगा था उसके बाद एक दिन के ब्रेक के बाद से ही प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, कंडीशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन तैयारियाँ क्या सीख लेके क्या बदला था सेंचुरियन के बाद केप टाउन के इस मैच से पहले? जस्ट आई मीन थोड़ा बहुत प्लानिंग और थोड़ा बहुत एटीट्यूड का ही चेंज था, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम रेडी नहीं थे लास्ट टेस्ट मैच, वी वर रेडी, बट कभी कभी टेस्ट मैचेस में ऐसे हो जाते हैं वेर यू नो द ऑपोजिशन रियली ब्लास्ट यू आउट ऑफ द टेस्ट मैच, और वी नॉट यूज टू इट। अभी लास्ट 4-5 ईयर से वी बीन अ टीम दैट्स रियली कम्पीटेड, वी वन सीरीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो इस चीज़ के लिए हम रेडी नहीं थे, तो इट वॉज अ ह्यूज हिट फॉर अस, बट आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हाउ वी हाउ मच वी एन्जॉय प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट एंड हाउ मच वी वैल्यू प्लेइंग फॉर आर कंट्री एंड हाउ मच टेस्ट विक्ट्रीज आउटसाइड ऑफ इंडिया मीन टू अस। तो एक दिन के टर्न अराउंड में जस्ट टू कम आउट एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मेंटल शिफ्ट, वी वर मोर रेडी दिस टाइम एंड वी आर रेडी फॉर अ फाइट, वी वॉन्टेड टू गेट दिस विन एंड जस्ट डू आर जॉब रियली वेल। आई थिंक लास्ट मैच में you know we weren't really 100% there in terms of bowling or batting, we were prepared, but wo jo thoda extra edge chahiye, jo extra fire chahiye, that was you know I guess credit to South Africa as well, wo kabhi hame confidence aane hi nahi diya unhone, they bowled us out very cheaply in both the innings, so yeah really happy that we could bounce back so well. नहीं, मैं जो पहले कह रहा था कि देखिए ये इतना मतलब यादगार लम्हा है, और इसीलिए जो मेमेंटोज होते हैं ना, मतलब एक सब एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ पे अगर होता इंडिया वी साउथ अफ्रीका 2023-24 तो वो शर्ट एक स्पेशल बन जाता है हर सीरीज़ के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड वैसा करती है, तो मैं यही चाहूँगा कि हर इसके बाद में हर सीरीज़ में, क्योंकि हर एक मतलब देखिए आप का जब करियर ख़त्म होता है फिर आप अपने यू नो पुराने जो कपड़े वगैरह देखते रहते हैं, तो वो शर्ट अब आप देखेंगे तो फिर वो यादें आती है, तो मुझे लगता है कि वैसा होना चाहिए, नंबर तो होना चाहिए, अपना नंबर क्या है, मतलब टेस्ट प्लेयर नंबर क्या है, पर ये जो एक ख़ास चीज़ होती है, क्योंकि बहुत मतलब, और शायद उस शर्ट से अगर आपने 5 विकेट ले लिया, आपने 100 किया जैसे कि राहुल ने सेंचुरियन में 100 किया था, तो वो और भी मतलब एक इमोशनल लम्हा बन सकते हैं कुछ सालों के बाद, इमीडिएटली नहीं कुछ सालों के बाद, तो वैसा होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। बाकी तो राहुल ने बिल्कुल बता दिया कि जिस तरह से उन्होंने रीग्रुप किया मतलब 3 दिन के हार के बाद में जिस तरह से रीग्रुप किया, ये तो बड़ी प्रशंसनीय बात है, क्योंकि इसके लिए सबको श्रेय देना चाहिए, और कप्तान को श्रेय देना चाहिए, जो सपोर्ट स्टाफ है, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ बहुत काम करता है, पीछे काम करता है, वो एक मतलब एक इंजन होता है जो मतलब आपको दिखाई नहीं देता, तो उनका भी एक बड़ा काम होता है, तो इन सब की प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने वापसी की है और ये देर दिन में मैच जीती है, सवा दिन में, चलो चार सेशन टू बी एब्सोल्युटली ओपन करना है, मिडिल ऑर्डर करना है,
वाइड बॉल में करना है, आप टेस्ट क्रिकेट में भी करना है और कीपिंग भी करनी है। केएल राहुल हर चीज़ के लिए तैयार है, तो ये जो शिफ्ट रहा है खास करके टेस्ट क्रिकेट में, मतलब सही मायने में तो एक ऑलराउंडर हैं आप, तो ये शिफ्ट किस तरह से करते हैं आप? क्योंकि मैंने तो एक छोटा सा सर नाम भी दिया है, संकट मोचन केएल राहुल। तो सबसे पहले तो ये बताओ नाम कैसा लगा आपको, संकट मोचन मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मेरे को डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं होता इतना लंबा क्यों दिया है? अगर आगे जाकर देखिए इनके चेकबुक में सिंपल है केएल राहुल चेक साइन करना है, अगर आपने संकट मोचन सर उसको अगर छोटा करेंगे तो एसएम आ जाएगा, फिर आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि एसएम आएगी नहीं आएगी। तो ये शिफ्ट कैसे है, मतलब क्या एडजस्टमेंट आप करते हैं जो इतनी आसानी से अलग अलग रोल अदा करते हैं, जो बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत मुश्किल काम है जी? आई थिंक जब मैं वनडे में, मेरे को पहले बार बोला था कि नंबर 5 या नंबर 4 पे खेलना पड़ेगा, इनिशियली आई थिंक फर्स्ट टाइम मेरे को वो रोल 2017 में दिया गया था, आई बी टोर्ड श्रीलंका और मेरे को 2 या 3 चांसेस मिले थे वहाँ पे एंड आई डिडंट रियली डू वेल एंड उसके बाद टीम से बाहर हो गया था। सो जो 2-3 मैच हुए उसमें यू नो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोर देन एनीथिंग मेरे खुद के माइंड सेट में क्या चल रहा था। एज सर विल नो एज एन ओपनर आप जब फर्स्ट ओवर स्पिनर का फेस करते हो देन ही इज़ नॉट रेडी, यू आर ऑलरेडी अप इन द गेम, आप सेट हो, आप फास्ट बॉलर खेल के निकाल चुके होते हो वो स्पेल और व्हेन दे कम दे डोंट नो द लाइन एंड लेंथ एंड यू कैन सेटल देम, सेटल इनटू योर इनिंग्स और अनसेटल द बॉलर। बट यहाँ पे क्या होता है नंबर 4 नंबर 5 पे व्हाट आई फाउंड द मोस्ट डिफिकल्ट इज जब मैं जाता हूँ आई एम अनसेटल्ड एंड एवरीवन एल्स इज सेट, उनको पता है कि पिच कैसे खेल रहा है और गेम का एक सेट हो चुका है गेम, आई हैव टू गो एंड एडजस्ट टू दैट सिनारियो एंड ट्राई एंड एडजस्ट। सो दैट वॉज द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी और ऐसे नए बॉल्स आई वॉन्ट से इट्स नेवर एन ईजी जॉब बट नए बॉल से कभी कभी फास्ट बॉलर्स विल ट्राई अ लिटिल बिट, एक यू नो एक आधा कवर ड्राइव या पैर पे एक आधा चौका मिल जाता है देन इट मेक्स यू फील गुड, बट एट नंबर 5 वो मिलता ही नहीं है, 25-30 बॉल खेलना पड़ता है। लाइक द लास्ट गेम लास्ट इनिंग्स एज वेल मेरे को आई प्लेड 30-odd बॉल्स, मेरे को एक भी बाउंड्री नहीं मिला, ईजी बाउंड्री नहीं मिला। सो जस्ट टू कीप योर सेल्फ अ लिटिल बिट मोर कामर एंड गेम के हिसाब से, जो गेम का सिचुएशन ऑलरेडी है उसके हिसाब से चलना, जब मैं ऐसे सोचता हूँ तो देन इट बिकम्स ईजी, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट माई ओन गेम देन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या यही टेम्पलेट देखेंगे मिडिल ऑर्डर में T20 क्रिकेट में भी केएल राहुल? देखिए मैम When they ask me to do any job, मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे को 11 में खिलाऊँ, जहाँ पे भी खिलाना है मेरे को मैचेस खेलने हैं, आई वॉन्ट टू प्ले। अनफॉर्चुनेटली इंजरीज के वजह से बहुत मैचेस मेरे मिस हुए हैं, नॉट जस्ट दिस इंजरी बट आई बिन इंजर्ड क्वाइट अ लॉट। सो लुकिंग बैक आई मीन आई एम 31 नाउ बट आई बिन प्लेइंग सिंस आई वॉज 22 फॉर द कंट्री, बट मेरे मैचेस देखोगे तो इतना एक्चुअली मैंने खेला नहीं है इनिशियली। ओबियसली आई टू वेट माई टर्न when Vijay and Shikhar were playing and Rohit and Shikhar were playing in ODI cricket. So I had to wait for a lot of time and jab chances milta tha, jab mauka banta tha, tab main injured ho jata tha. So I've really missed out on a lot of cricket. So abhi main aise mind space mein hu ki kahin pe bhi khilao, mereko bas matches khelne and I want to do well for my country and play and enjoy my cricket in the middle. Great attitude Rahul. Wo to jab naam, jab thoda naam Rahul rakh diya tha to phir ये तो करना ही था, टीम बताइए क्या आपको आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले ये बात करें कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग जो एक अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, उसकी बात ये जो पूरा सफ़र रहा है केएल, आप जानते हैं बिलीव एक बहुत खूबसूरत पेशकश है जहाँ पे आपको फीचर किया गया, उसकी हल्की सी झलकियाँ सबको दिखा रहे हैं क्योंकि खास करके इस चोट के बाद आपके करियर में उतार चढ़ाव की जो कहानी है पोस्ट शो के ठीक बाद, वो कहानी इस विश्वास की तो है। A bad phase in my career before, I have and I know how to come out of it, but the rest of the things that were happening around was very new. I just couldn't like get out of my own head, or I just couldn't leave cricket or my professional life on the field. It just was such a heaviness on me. I just couldn't seem to shake it off. It just felt like everything was going wrong. पोस्टों के ठीक बाद आप देखेंगे पूरी पेशकश, बिल्कुल देखिएगा, हम तो जानते हैं उसमें क्या क्या लेके आएंगे, केएल राहुल भी जानते हैं किन किन चीज़ों की बातचीत की है। केएल जब जब चोट से थोड़ी रिकवरी होती है तो वो समय जो है वो काफ़ी अकेले बिताना पड़ता है और उस समय पे एक्टिव जो क्रिकेट चल रहा होता है उस पूरे सफर के बाद, क्योंकि एशिया कप में बात की थी वहाँ आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि समय मिला ही नहीं सोचने का, सीधा मौका आ गया उस मुकाबले में खेलने का एंड थिंग्स आफ्टर दैट यू हैवंट लुक्ड बैक,
क्या चीजें आपने रियलाइज करी कि जो इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं उस पूरे चोट के सफर में जब आप अकेले थे, अब जब मैदान पे उतरते हैं क्या फर्क आया, क्या चीज आपने रियलाइज की है, क्या बदलाव आया? मेरे लिए तो पहले जब इंजरी हुआ इनिशियली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बट ऑनेस्टली अकेले रहना वॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि उससे पहले इंजरी से पहले यू नो मेरे रन्स नहीं बन रहे थे इतना अच्छा, देयर इज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो माइंड एक बहुत ज़्यादा क्लाउडेड था एंड आई वॉज इन एन्जॉइंग माई क्रिकेट एंड आई वॉज इन एन्जॉइंग बींग इन द ग्राउंड एंड गेटिंग क्रिटिसाइज सो ऑफ्टन, तो दैट ब्रेक रियली हेल्प मी. एंड जब when I started training surgery ke baad there was some freshness, there was a new energy within me and not that ki mere ko wapas aake kuch prove karna hai. I realized how much I love the game and how much I miss playing the game, whether it is doing well or not doing well, that's secondary, but just being on the field wearing the blues or wearing the whites, you know, you really sense and aapko pata chalta hai ki kitna aap आपको लगाव है इस गेम से, एंड दिस इज़ ऑल वी ऑलवेज डन सिंस वी वर किड्स. सो टाइम ऑफ में भी ऐसे ट्रेनिंग के अलावा मैं और कुछ यू नो इवन माई पेरेंट्स आस्क माई फ्रेंड्स आस्क व्हाट एल्स डू यू डू, क्या है हॉबीज, बट यू नो आई टुक 3-4 months टू रियलाइज देर आर नो अदर हॉबीज बट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट. सो यही एक मेंटल स्विच हुआ कि यू नो जो भी टाइम है वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट उसको एन्जॉय करो, और वेदर यू डू वेल नॉट डू वेल, आई मीन आफ्टर सो मेनी इंजरीज आई डू वॉक इन विद द माइंड सेट दैट यू नो इट विल ऑल एंड एट सम पॉइंट, बट यू माइट एज वेल एन्जॉय वॉट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू रादर देन थिंकिंग कि ये नहीं होगा तो क्रिटिसिज्म होगा, ये यू विल बी आउट ऑफ द टीम. एंड या दैट वॉज द मेंटल स्विच दैट हैपेंड कि already ho chuka hu, I've already been dropped, I've already been injured, I've already had bad performances, so I was like okay, rather enjoy all of it, you can't really control it, so I go in with that attitude ki go out there and like I just told Irfan by that you know rather than thinking about self whenever I walk in, I just try to see the scoreboard, try to see the situation of the game, aur jo mujhe lagta hai ki mujhe karna hai team ke liye, I try to do that. I think that makes it a bit more easier and bit more enjoyable for me to play the game. सवाल नहीं है, बस एक ही बात है, अभी ख़त्म के बारे में मत सोचो, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, और उम्मीद ये भी रहेगी कि लीडरशिप के वो जो ग्रुप में है उसमें भी बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है. सो ऑल द लक राहुल. वेल बट यू नो आपको भी पता है जब इंजरीज बार बार होते हैं यू रियलाइज योर ऑलमोस्ट यू नो योर हैंडीकैप्ड. आप 3-4 हफ्ते या 2 महीने में क्रचेस पे था, मैं चल भी नहीं पाता था, तो दैट टाइम यू रियलाइज कि यार वेदर यू विल बी एबल टू रन अगेन, वेदर यू विल बी एबल टू play and bat again and all those thoughts come to your mind, so that's when you realize that you know you rather enjoy what you Absolutely. Have till whenever it's there. So yeah, bahut khoobsurti se samjhaya, jitni khoobsurti se aapne century mein ballebazi kari aur jitni khoobsurti se yahan bhartiya team ne wapsi ki, wahi kehte hai na ki setback se tagda comeback hona chahiye. Emotional ho gaye hum lekin jeet ka lamha hai, emotional phir ho jana kyunki ye to halki thi jo Rahul ne bahut khoobsurat baatein kari, dil se aisi baat cheet hai jo post show ke baad aap believe rakhenge. Yeah, thank you so much, all the very best. Hamari taraf se puri mubarakbad dijiyega puri team ko, bahut bahut mubarakbad. And छुट्टी या अर्ली डिपार्चर देखते हैं क्या अभी देखते हैं किसी को खबर नहीं होनी चाहिए.